भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए तनाव ने भारतीय छात्रों के परिवारों को भी टेंशन में डाल दिया है। जिस परिवार के बच्चे या सदस्य कनाडा में पढ़ाई या काम करने के लिए गए हैं, उन्हें थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन कनाडा में उनसे बात करके चिंता में कमी भी आ जाती है। परिवारों को उम्मीद है कि जल्द ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। सर, दोनों देशों में जो अभी पिछले दिनों में जो बयानबाजी हुई है, जो छोटी मोटी बातें इनमें हुई हैं, एक बार तो उसने थोड़ा हमें वरीड किया था, थोड़ा फिक्रमंद हुए थे हम लोग, लेकिन अब धीरे धीरे जब बच्चों से बात होती तो बच्चे काफ़ी रिलैक्स हैं, बच्चों पे उसका कोई ज़्यादा असर अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बींग ए पेरेंट्स हमें कुछ तो फिक्र है कि आने वाले दिनों में दोनों देश क्या सोचने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होता। हम लोग यहाँ बैठे नहीं सोच सकते कि दोनों देशों का नेक्स्ट मूव क्या होगा और उसका बच्चों पे या हमारे यहाँ पे क्या असर पड़ेगा, तो वो एक जरूर सोचने वाली बात है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही है कि बच्चे जरूर रिलैक्स हैं, बच्चों पर अभी उस चीज़ का कोई ज़्यादा बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। बात होती है उनसे बच्चों से, जी वहाँ के हालात को लेकर क्या बताते? वहाँ के हालात में बच्चे तो अभी तक रिलैक्स हैं, बच्चे तो ठीक अपना अपनी मस्ती में अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक बच्चों को यहाँ कोई ज़्यादा मुश्किल अभी नहीं आई, किसी तरह की मुश्किल नहीं आई है, लेकिन हम लोगों को जरूर जहाँ पे बींग ए पेरेंट्स थोड़ा बहुत फिक्र होता है। फैमिली में बैठते हो, बात होती है उनकी, बच्चों की अक्सर बात? हाँ, जो लास्ट टाइम्स में हुआ है, जैसे पीछे कोविड आया, कुछ आया, तो एकदम से स्थितियाँ क्या से क्या हो गई, तो ऐसा कुछ होता है भी कभी, पता नहीं, खैर लगता तो नहीं है, खैर, पर फिर भी हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट स्थिति क्या होने वाली है, तो थोड़ा वो सोचने वाली बात हो जाती है। बड़ी बेटी कनेडा में है, पोत्री बड़े बेटे की बड़ी बेटी, उसने बोला कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, हमारा फिक्र ना करो। मैंने भी कहा भी ये ना कह ही जान देने, कहने नहीं मम्मा कुछ नहीं होना। आप लोगों ने काफ़ी जो समय बिताया, बहुत से ऐसे दौर देखे हैं जब मुश्किल पैदा हुई है, तो ये भी एक मुश्किल वाला दौर है जब इस तरह से? हाँ जी, फिक्र तो होता ही है बच्चों का, पहले जब आया कनेडा इंडिया का तरह हो गया, फिक्र तो हुआ, परंतु बच्चों से बात करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चों को वैसे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा रिश्तेदार हमारे उधर ही हैं, कनेडा है। बात होती है उनसे? हाँ जी बात होती है, कुछ नहीं हो, वैसे ही ठीक है माहौल, कुछ नहीं, अपने ही ज़्यादा इधर रौड़ा है उधर नहीं है। आपने भी जाने का सोचा वहाँ के बच्चों के पास? बच्चे तो कहते हैं, परंतु अभी नहीं सोचा। स्थिति ये देशों का मामला है, तो जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया बिना किसी एविडेंस और बिना प्रूफ के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया, भारत सरकार जबकि ऐसी किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, तो बीइंग पेरेंट्स, मेरे बच्चे वहाँ कनाडा में एज ए स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए एक चिंता का विषय तो है और चिंतित होना हमारा स्वाभाविक है। बात होती है बच्चों से, क्या कहते हैं? बात आगे रूटीन में एक बार होती थी, अब 2 से 3 बार होती है। वहाँ पे क्या, किस तरह की स्थिति है, बच्चे बताते हैं? बच्चे एक्चुअली क्या, जब हम बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं पापा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअली उनका जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पे, स्टडी, कॉलेज, काम, बिजी लाइफ स्टाइल है वो, अगर आप इधर उधर किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको पता नहीं रहता क्या है, इसी वजह से वो हमें कहते हैं भी आप चिंता मत करो, यहाँ है सच कुछ भी नहीं है, पर यहाँ जो इंडिया के चैनल्स हैं या जो हम यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ उन उसको देख के चिंता जो हमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बीइंग अ पेरेंट हमें चिंता तो होना स्वाभाविक है, परंतु ये बड़ा मामला है, देशों का मामला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी गवर्नमेंट पे कि जो वो कदम उठाएगी, अच्छे कदम उठाएगी और जो बच्चे हैं उनको किसी दुविधा में नहीं डालेगी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का पहले भी देखा है कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो अपने उसने मतलब अपने भारतीय सैनिकों का पूरा अच्छे से ध्यान रखा और उन्हें वहाँ से निकाला, पर मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी क्योंकि कनाडा सरकार भी ऐसा नहीं चाहेगी, तो बाकी चिंता होना स्वाभाविक है, चिंता का विषय तो है, लेकिन बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बड़े मज़े से घूम रहे हैं, वहाँ पे कोई टेंशन ऐसी नहीं है। कौन गया आपका?
मेरा छोटा बेटा वहाँ है और मेरी डॉटर इन लॉ भी वहीं है। हाँ, डेली फ़ोन आता है दोनों का। हाँ जी, बस वो तो खुश हैं, उनको अपने काम में बिजी रहते हैं तो उनको इधर उधर का पता ही नहीं चलता। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे मीडिया में जो सुनते रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उससे हमें थोड़ी सी चिंता रहती है, और वैसे भी पेरेंट्स को चिंता होती ही है, तो इस वजह से बच्चे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ तो बात होती है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी, डेली बात होती है। वो तो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, स्टडी में बिजी हैं और काम में। हाँ जी, जिस तरह के हालात सुनते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, बात हम फ्रेंड्स के साथ होती है तो थोड़ा बहुत पता चलता है उनको, अदरवाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, वहाँ की गवर्नमेंट से या कुछ भी नहीं है उन्हें। आप लोगों को इस चीज़ की चिंता होती है कि बच्चे बहुत दूर बैठे हैं और हालात किस तरह? ऐसा तो होता ही है सर, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं तो माहौल ख़राब है, तो ऐसा डर तो लगता ही है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, वहाँ बच्चे वहाँ पे हैं तो कोई मुश्किल आए तो क्या करेंगे, इतनी जल्दी जा भी नहीं सकते, उन्हें बुला भी नहीं सकते, ये तो फिक्र रहता है। या उनको बुलाया जाए हालात को देखते हुए, या उनको कहा जाए कि कुछ नहीं है, वो अपना पढ़ाई करें? नहीं, अभी तक तो सर वो नॉर्मल है, वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, काम भी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।